रंग भी लाल हरा रखा है आपने, अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए ना बदल पाए लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। और जब ये हमारे पत्रकार साथी लगा कर जाएंगे तो समाजवादी खुशबू वहां भी पहुंच जाएगी, वो जान जाएंगे कि कौन आने वाला है। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश को 4.5 साल में पीछे कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारे व्यापारी लोग बैठे हैं, इनसे पूछिए व्यापार की क्या हालत है, व्यापारियों ने आत्महत्या की है, छात्र नौजवानों ने आत्महत्या की है, किसान ने आत्महत्या की है, कोई जवाब है सरकार के पास कि किसानों ने जहां आत्महत्या की हो, व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर ली, कोई जवाब है सरकार के पास? आज आत्महत्या में हम आगे जा रहे हैं, कोई है जवाब सरकार के पास? ये सरकार बड़े लोगों के लिए है, नोटबंदी से बड़े लोगों को, बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज रुपया कहां है? सुनने में आ रहा पहले से ज्यादा बाजार में पैसा आ गया। जितना सर्कुलेशन में पैसा पहले था उससे ज्यादा पैसा बाजार में आज सर्कुलेशन में है। हाईकोर्ट कई बार उंगली उठा चुका है कि आखिरकार कैसी कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। और फिर प्रीवियस गवर्नमेंट्स जो थी वो क्रिमिनल पॉलिटिक्स में थी। कौन मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, किस मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है, जिनके ऊपर क्या धाराएं थी? और जिसने पलायन का सवाल पूछा है वो पत्रकार साथी कम से कम मुख्यमंत्री जी की वो धाराएं दिखाए, धाराएं जनता को बताए कि जिन धाराओं को उन्होंने खुद वापस ले लिया, आखिरकार मुख्यमंत्री जी में कौन सी धाराएं थी? तो दो बड़ी चीजें हैं ये, मुख्यमंत्री जी खुद सोचे, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, एसआईटी पे क्या प्रश्न लग रहे हैं। आशीष मिश्रा की राइफल, अखिलेश जी, आशीष मिश्रा की राइफल जांच के लिए भेजी गई थी, उससे फायरिंग की बात सामने आई है, नया तथ्य है। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, अब तो सुप्रीम कोर्ट का कहना मानना पड़ेगा ना, कि दूसरे जैसे मॉनिटरिंग हो जांच की, जब मानी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं तो सरकार को मानना चाहिए। और ये सरकार ऐसी है जो किसी का नहीं मानती है। कम से कम अपना काम कुछ तो बताएं मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अपना कोई काम तो बताएं, 4.5 साल हो गया है, कम से कम जो काम उन्होंने खुद किया हो, खुद शिलान्यास किया हो और उसको जनता के लिए डिलीवर किया हो, तो वो अपना काम तो बताएं कोई। जब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया इतने बड़े मामले को लेकर के, कि आखिरकार किसको बचा रही है सरकार और किसके लिए एसआईटी बनी है। और गृह राज्य मंत्री का अभी भी इस्तीफा नहीं, और वो मंच पर जहां देश के गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पूरी सरकार हो, क्या उम्मीद करोगे न्याय मिलेगा उन किसानों को, जिन किसानों को टायर से रौंद दिया गया, उनकी जान ले ली गई हो, कुचल दिया गया हो। अखिलेश जी, बीजेपी के नेता ने कहा है कि ब्राह्मण और बनिया बीजेपी की जेब में है। अपने खानदान के पास चले जाए मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश का भला हो जाएगा। कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए, और पहली बार नहीं बोल रहे, वो कई बार बोल चुके हैं खानदान। अब किसे खानदान याद आएगा, किसको माँ बाप याद आते हैं आखिरी में, किसको याद जाने वाले। आपको
अभी हाल ही में कुशीनगर का एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, बजट और समाजवादी सरकार में बना, पूर्वांचल के विकास के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट का शिलान्यास और जितनी भी कार्रवाई होनी थी समाजवादी सरकार में हुई, लैंड एक्विजिशन से लेकर के अलाइनमेंट, आज वो उद्घाटन होने जा रहा है। ये समाजवादी काम है, आज भी उद्घाटन समाजवादी सरकार के हो रहे हैं। तो जब जिस मुख्यमंत्री ने कुछ काम ही ना किया हो तो जनता में जानबूझ करके ऐसी बातें कहना और व्यक्तिगत, ये तो शुरुआत है, अभी तो चुनाव आया कहाँ है, अभी 13 का भाषण सुन लेना, 16 का भाषण सुन लेना और फिर जब चुनाव आएगा तो और भाषण सुन लेना। ये समाजवादी साइकिल है जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाएगी और समाजवादी लोग विकास ही करेंगे उत्तर प्रदेश का, विकास से हटने वाले नहीं है। अभी वो एक अभी चीज और लेके आ रहे हैं, भी हम जाने से पहले एक चीज लाएंगे, हम कहेंगे वो एक चीज जो भूल गए थे वो जल्दी ले आओ सामने, वो एक चीज भूल गए थे, इत्र के साथ नहीं आ पाई थी, आ रही है अभी चीज, आप सब समझ जाओगे। ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए आप, इसकी क्या कीमत हो गई है सोचिए आप। कम से कम हमारे साथी पत्रकार साथी हो बीजेपी बताए इसकी कीमत कब कम होगी, खाली इसलिए लाए हैं क्योंकि अगर भराने जाएंगे तो कीमत पता लग जाएगी कितने में भराना है। कौन, किस प्रदेश के हैं ये, मैं पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, सड़क हो, अस्पताल हो, यूनिवर्सिटीज हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, और जो स्कीम्स चलाई थी एक से एक बेहतरीन स्कीम्स चलाई, और पुलिस को सबसे ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर कोई लाने का काम किया समाजवादी सरकार में हुआ, जिसमें डायल हंड्रेड बनकर के आया और बाद में नाम बदल दिया गया। कोई क्षेत्र नहीं बचा था जिस क्षेत्र में अलग तरीके से काम और वर्ल्ड क्लास काम न हो रहा हो। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया है, इसलिए जानबूझ करके कुछ न कुछ मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठाती रहेगी। दे आर मास्टर्स प्रोपेगेंडा में, एक झूठ बोला जाता है ऊपर से वही झूठ चलता है पूरा आखिरी तक। क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता कि किसानों को डीएपी नहीं मिल पा रही? पूरे उत्तर प्रदेश में धान की लूट हो रही है, बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग धान की कीमत दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? अभी भी किसानों का गन्ना का बकाया है पैसा। ये जो महंगाई हो गई इसका क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी पर? इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी, नौकरी नहीं, जो सरकारी संपत्तियां थी वो बेच दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों का नोट लिया, अमीरों से नोट, और सरकारी संपत्तियों पर चोट पहुंचा दी। क्या सरकारी संपत्तियां नहीं बिक रही साहब? क्या जवाब है सरकार के पास? कह नहीं रहा हूं, ये समाजवादी प्रोजेक्ट्स हैं। आप कह सकते हो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस बीजेपी का है, समाजवादी सरकार का? हाँ, बीजेपी ने बिगाड़ दिया,
कोई अच्छी चीज दे दोगे मुख्यमंत्री जी को, वो बिगाड़ देंगे। कोई अच्छी चीज अगर दे दोगे उनके हाथ में तो बिगाड़ देंगे। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। नोटबंदी पर मैं तो इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को खजांची को बुला करके सम्मान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों को दोबारा सरकार में लाना चाहती है और जगह जगह रैली रैली में आपको इसी तरह के लगातार नारे जोड़ने वाले दिखाई देंगे। अखिलेश जी एक सवाल इधर से ले लिए, 13 तारीख को आप गोरखपुर जा रहे हैं अपना जो आपका विजय रथ यात्रा है उसके तीसरे चरण की शुरुआत करने। गोरखपुर में आप तक जो भी गया उस पर मुकदमे हुए हैं, चाहे वो बहुत सारे लोग गए हैं, आपके आपको क्या लगता है सर? अच्छा ये बताइए, आप इटावा का जेल का उद्घाटन हुआ, इटावा वालों में जेल में तो बंद नहीं किया किसी को, जेल तो उद्घाटन हुई ना जी। तो गोरखपुर जाएंगे, गोरखपुर में क्यों धारा लग जाएंगी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बाहर है क्या? मुझे तो नहीं पता, हम तो कई बार हुआ है वहाँ। क्या सरकार के भी कुछ मंत्री जो वर्तमान सरकार में मंत्री, वो आपके संपर्क में? समय आने पर, सही समय पर। क्या अपना दल के साथ आपका कोई गठबंधन होने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा जो जनता के बीच में रखा उन्होंने, उस संकल्प पत्र को नहीं पूरा किया इन्होंने। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कई बार आरोप लगाए कि इस सरकार ने अपना कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ है वो समाजवादियों ने किया था और उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं, कोई नई चीज सामने नहीं आई है, जानबूझकर मुद्दों को भटकाया जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।